हमारा टॉपिक है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और शून्य के आविष्कारक थे, जिसमें लिखा गया है कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पे घूमती है, जिससे कि दिन और रात होते हैं। आर्यभट्ट ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि सूर्य जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है और पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। अगले सोमवार तक सभी को आर्यभट्ट के सिद्धांतों के ऊपर एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? साइंस प्रोजेक्ट। काले बादल के पीछे से झांक रहे तारे फैले हैं इस माटी के कोन कोन में सारे। काले बादल के पीछे से झांक रहे तारे फैले हैं इस माटी के कोन कोन में सारे। नन्हे से हाथों में है सपनों की फुलवारी, आसमान में टिमटिमाने की हो रही तैयारी। पढ़ लगा दो हमें दो, पढ़ लगा दो हमें, उठता हुआ तारा बना दो हमें। पढ़ लगा दो हमें दो, पढ़ लगा दो हमें, ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Oh,
बिहार भूमि की विशेषताएं जो आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक श्रृंखलाबद्ध रूप में विद्यमान है, इसका प्रमाण आदिकाल के आदि मानव जो आज भी कहें तो दे रहे हैं आदि प्रमाण चिरांत में। गंगा के उत्तरी तट पर स्थित छपरा शहर से 11 किलोमीटर दूर चिरांद नामक स्थान पर ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व की नवपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले आज से कोई 60 वर्ष पहले। यूं तो और नदियों के किनारे भी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, लेकिन इस स्थान की जो विशिष्टता है वह इससे भी करीब 1000 साल पहले कश्मीर में बुर्रा होम नामक जगह पर पाई जाने वाली सभ्यता के अवशेषों में भी नहीं है, पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं है। ऐसे स्थान पर आदि मानव के आकर बसने का कारण था यहाँ की कृषि योग्य उत्तम मिट्टी यानी अलूवियम, जो आज भी 100 फुट गहरी है। आखेट आधारित जीवन निर्वाह करने वाले आदि मानव ने यहीं आकर खेती शुरू की। भारत में कृषि की नींव सबसे पहले इसी मिट्टी में पड़ी और यहीं आकर आदि मानव यायावर से स्थावर हुआ। इतना ही नहीं, जब सारे रिसोर्सेज जीवन यापन के वहाँ उपलब्ध हैं और लगातार हमें वहाँ एक दर एक सभ्यता नवपाषाण युग से लेकर गुप्त काल तक मिल रही है, आयरन एज भी हमें वहाँ उपलब्ध है, तो वो अति उत्तम लोकेशन था जीवन निर्वाह के लिए प्राचीन समाज के जो लोग थे उनके लिए। इसीलिए लगातार उसी साइट पर ईसा पूर्व 2000 से लेकर गुप्त काल तक वहाँ लोग लगातार निवास करते आए। चिरांद बिहार के गांगेय प्रदेश की विशिष्टता पर सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी मुहर है। इस प्रदेश की भाव एवं विचार संबंधित विशिष्टता के प्रमाण मिलते हैं धर्म के क्षेत्र में। यहाँ अलग अलग धर्म और मान्यताएं जन्मी पनपी और शिखर तक पहुंची। अंतः सलीला फल्गु के किनारे बिहार का वैदिक कालीन नगर गया, सनातन पंथी हिंदुओं का आदि तीर्थ। गया जी जो है पितृ के लिए सारे तीर्थ जितने भी भारत के अंदर तीर्थ हैं सभी तीर्थों का प्राण गया जी को कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी तीर्थ स्थान में आप जाते हैं तो वहाँ जो भी आप अपने दान दक्षिणा या जो भी करते हैं उसका जो है फल आपको स्वयं मिलता है। और गया जी में जो भी आप दान करते हैं या जल दान करते हैं या भगवान का चरण को ही स्पर्श करते हैं तो इसका प्रमाण बतलाया है। अत विष्णु पदम दिव्यम दर्शनाद पापनाशनम अर्ष स्पर्श पूजनंग चैव पितृणाम मुक्ति हेतवे। भगवान को चरण को और स्पर्श करने से आपका आत्मा शुद्ध होता है और अपने मरे हुए पितरों को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। पूरे देश में केवल गया में है व्यवस्था मृत पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलवाने की। मोक्ष का एक अलग मार्ग दिया मगध ने अपने यहाँ जन्म देकर, कैवल्य ज्ञान देकर, जिनेश्वर बनाकर, निर्वाण प्रदान कर महावीर स्वामी को। पावापुरी सर्वोच्च कोटि का ज्ञान देने वाली इस पावन मिट्टी को नमन करके श्रद्धा के इतने कण उठाए श्रद्धालुओं ने कि एक तालाब बन गया जल मंदिर। पूरे विश्व में जो अहिंसा का संदेश फैलाया वो सर्वप्रथम महावीर के काल से ही या जैन धर्म के काल से ही शुरू हुआ। जो पारसनाथ उसके पहले आदिनाथ जी थे, ये जैन परंपरा के अनुसार भगवान की अहिंसा का, अहिंसा परमो धर्म का जो पावन उपदेश हुआ वो इसी मगध में दिया गया। तो वो गौरव बिहार को ही प्राप्त है और वो इसी धरती पर भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म भी हुआ था, निर्वाण भी प्राप्त हुआ था इसी बिहार में। इसलिए यहाँ की मिट्टी आज भी श्रद्धालु लोग संजोग के रखते हैं और अपने परिजनों से मंगवाते हैं। जो कोई भी यहाँ जल मंदिर आते हैं वो यहाँ की मिट्टी को हम लोग अवश्य देते हैं और वो अपने घरों में मंगल कल्याणार्थ ले जाते हैं। ज्ञान को तालाब में कमल के समान उठाकर रखा एक जगह तो दूसरी जगह पीपल की ठंडी छांव के रूप में दिया, बुद्धत्व प्रदान किया भटकते हुए सिद्धार्थ को निरंजना के किनारे। बोध गया निर्वाण का ज्ञान आकाशदीप की भांति उन्नत है यहाँ आज भी।
महाबोधि मंदिर। स्त्री और पुरुष प्रकृति के दो नियम, एक दूसरे के पूरक, जिनमें प्रकृति कभी भेद नहीं करती, उसमें मनुष्य मात्र में स्त्री को पहले अबला बनाया गया और पिछले कुछ दशकों से सबला बनाने का शगल चल रहा। महिला सशक्तिकरण का विश्वव्यापी संघर्ष, धार्मिक सहभागिता का सनातन अधिकार स्त्रियों को हर रूप में सबसे पहले बिहार में ही मिला। त्रेता काल में पति की अनुपस्थिति में सीता ने किया ससुर दशरथ जी का श्राद्ध, वह कर्म जो आज भी हिंदू महिलाओं को पति के बिना करने के लिए प्रायः वर्जित है। आम्रपाली एक नगर वधु के प्रश्नों से निरुत्तर होकर बुद्ध को खोलना पड़ा था बौद्ध धर्म का द्वार भिक्षुणियों के लिए। अपने अभूतपूर्व त्याग से जिनेश्वर महावीर की पहली शिष्या बनी राजकुमारी चंदनबाला, 16 शिष्याएं थी महावीर की, राजकुमारी चंदनबाला प्रथम। आज महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो इसकी परिकल्पना बिहार में आज से 2500 साल पहले से ही थी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जी के जो संघ में इनके जो मुनि बनते थे उनके अलावा साध्वियाँ भी इन्होंने बनाया, जिनमें प्रथम इनके शिष्या चंदनबाला महिला ही थी। ऐसे करके 16 उस समय 16 सती जी के नाम से जाने जाते थे, पुष्पा जी, दमयंती, ये सब मिला के। तो उस समय इनके संघ में महिलाएं जो साध्वी थी वो हर जगह हर एक विभिन्न गाँव में जाकर के प्रतिबोध लोगों को देती थी और महिलाओं को जागरूक करती थी। बुद्ध के समय में, महावीर के समय में, दोनों के समय में त्याग की बात हो रही थी तो महिलाओं ने भी त्याग करके दिखाया और यह अपने संघ में उन्होंने महावीर ने शामिल किया, इसलिए महिलाओं को वो स्थान मिला। सीता, चंदनबाला, आम्रपाली और उनके जैसी अनेक आज के महिला सशक्तिकरण के विश्वव्यापी संघर्ष के संदर्भ में बिहार के विषय में क्या कहेंगी? सिख धर्म में सहयोग शेष रहता था संभवतः, सो 10वां गुरु जन्माया अपने यहां, खालसा पंथ को जन्माया उनके माध्यम से और आज्ञा दिलवाई सिखों को पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अपना अंतिम गुरु मानने की। बिहार ने विदेशी धर्मों को भी समान रूप से अपनाया। पटना के पास मनेर में 1180 में आए थे जेरूसलम से पहले इमाम ताज फाकी, उन्हें अपने यहाँ बसाया और शरीफ का दर्जा दिलवाया। शरीफ केवल 3 है पूरे देश में। पटना साहिब में है ईसाई रोमन संप्रदाय का सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली, 18वीं शताब्दी का। धर्म के क्षेत्र से हटकर शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो प्रमाण मिलता है कि उच्च कोटि के शोध और ज्ञान को जन्म और उर्वरा देने वाली भूमि है बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय संस्कारयुक्त शिक्षा पर बल था, यहां कई देशों से विद्यार्थी आते थे। यहां के पुस्तकालय रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक की ऊंचाई किसी 9 मंजिली इमारत के बराबर थी। शिक्षक और छात्रों के जिस अनुपात पर अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित आईवी लीग के संस्थान आज इतराते हैं, उससे बेहतर अनुपात नालंदा विश्वविद्यालय में 5वीं सदी में था, जहां 10,000 छात्रों को शिक्षा देने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। 100 से अधिक शिक्षक 1,000 छात्रों को शिक्षा देते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इन दोनों विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया, आग लगा दी। धुआं 9 महीने तक उठता रहा था। खिलजी ने विश्वविद्यालय के भवनों और ग्रंथों को भले ही नष्ट कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देख और समझ पाया कि जिस धरती ने नालंदा और विक्रमशिला को जन्म दिया था, उस धरती ने यहाँ के ज्ञान को अपने में समाहित करके उसे अंतःसलिला बनाकर पूरे आर्यावर्त में और उसके बाहर भी फैला दिया था। यहीं के शिक्षाविदों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी। यहां की धरती ने ज्ञान को बचाए रखा और भवन को जाने दिया। अमर आत्मा ही होती है, देह नहीं। ज्ञान आज भी अमर है यहां और आज भी बट रहा है यहां।
और दुनिया भर से आने वाले लोगों को यह पुरातात्विक अवशेष प्रतीत होते हैं, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यही समझ में आता है कि नालंदा और विक्रमशिला आज भी खड़े हैं। इन्हें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो काल ने बख्तियार खिलजी को जघन्य अपराधियों की सूची में डाल दिया। इसी कालखंड में संस्थागत शिक्षा के विपरीत कुटिया में गुरु शिष्य परंपरा सर्वोच्च शिखर पर पहुंची हुई थी। मिथिला में जनक, याज्ञवल्क, गौतम, गार्गी, मैत्रेयी, मंडन मिश्र, उनकी विदुषी पत्नी भारती हुई। वाल्मीकि ने मूल रामायण की रचना यही की। मिट्टी, धर्म और शिक्षा जितने ही अद्भुत प्रमाण मिलते हैं राजनीति के क्षेत्र से, बिहार को इस बात का गर्व हमेशा रहेगा कि जब दुनिया शासन व्यवस्था की एकमात्र विधि राजतंत्र के बारे में जानती थी, उस समय वैशाली में एक ऐसी शासन व्यवस्था फल फूल रही थी जिसे 3000 साल बाद दुनिया शासन की सबसे उत्तम व्यवस्था मानने वाली थी। बुद्ध ने यहाँ की परिषद को देवताओं का परिषद अकारण नहीं कहा था। वैशाली से 150 किलोमीटर दूर है राजगीर, भारत देश के पहले साम्राज्य मगध की पहली राजधानी। यहीं के गृद्धकूट पर्वत पर बुद्ध ने अपने ज्ञान का भंडार जनजीवन के लिए सर्वप्रथम खोला था। यहीं पहली बौद्ध संगति हुई थी। मगध में और वैशाली की ही मिट्टी में बुद्ध की अस्थियों को समाहित किया गया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बीज के साथ सदा सदा के लिए। पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक राजधानी बने रहने के गौरव के दृष्टिकोण से रोम पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर पाटलिपुत्र। लगभग सन 1000 तक पाटलिपुत्र विश्व का सबसे बड़ा शहर था। तो आश्चर्य क्या कि अजात शत्रु के पुत्र उदाई ने राजगृह के बाद नई राजधानी बनाने के लिए पाटली पुष्पों से सजे इस पाटली ग्राम को चुना था, जिसकी अधिष्ठात्री देवी थी पटन देवी, जिनके नाम पर पाटलिपुत्र पटना कहलाया। राजनीतिक सत्ता और समृद्धि के शिखर पर आसीन इस प्रदेश से ही एक राष्ट्र की परिकल्पना साकार हुई। उसके पहले यह उपमहाद्वीप कई जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था। इस बटे हुए उपमहाद्वीप में अखंड आर्यावर्त यानी भारतवर्ष का सपना देखा था आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर सम्राट बनने की क्षमता देखकर उसे चुना। चंद्रगुप्त किसी राजकुल का नहीं था, यह मिट्टी का चरित्र था जिसने चाणक्य को यह विचार दिया कि केवल राजा का बेटा ही राजा नहीं हो सकता। यह समतामूलक समाज के निर्माण की शुरुआत थी। आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त की जोड़ी बताती है कि एक श्रेष्ठ राजा बनने के लिए एक श्रेष्ठ परामर्शदाता का साथ होना अति आवश्यक होता है, और वो गुरु का हो, मंत्री का हो, किसी का भी हो। यह मिट्टी स्वार्थ और हिंसक प्रवृत्ति को फलने फूलने नहीं देती। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र चंडाशोक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। उसके साम्राज्य की सीमाएं आज के ईरान की पूर्वी सीमा तक फैली हुई थी। उसने बड़े सैन्य अभियान छेड़े, लेकिन कलिंग में रक्तपात के बाद अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या अनायास ही? निसंदेह नहीं। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर चंड अशोक धम्म अशोक यानी धार्मिक अशोक बन गया। युद्ध भेरी की जगह संपूर्ण मगध में धम्म भेरी बजने लगी। दूसरे राज्यों की सीमाओं को अपने साम्राज्य में मिलाने की जगह अशोक ने दिलों को मिलाने का काम शुरू कर दिया। हिंसा की जगह भाईचारे का संदेश देने लगा, और अंततः अशोक मानव धर्म का संरक्षक और पोषक बना। इस दूरदर्शी शासक को इतिहास ने अशोक महान की संज्ञा यूं ही नहीं दे दी। आश्चर्य क्या कि अशोक के चक्र और चार सिंहों वाले प्रतीक चिन्हों को भारत सरकार ने अपनाया। अशोक महान की परंपरा को गुप्त वंश के शासकों ने शिखर तक पहुंचाया और भारत में स्वर्ण युग आया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सुशासन और व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। सोने के सिक्के इसी काल में चलाए गए। विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, चिकित्सा, गणित, शिक्षा, खगोलीय शोध, धर्म, दर्शन,
हर क्षेत्र में नए नए अनुसंधान गुप्त काल में हुए जो बाद में भारतीय संस्कृति का आधार बने। प्रजा को कोई भी धर्म पालन करने की स्वतंत्रता थी। यह धरती अपने समय से कई सहस्राब्दियों आगे के विज्ञान के सिद्धांत बनाने वाले आयुर्वेद से इस दुनिया को परिचित कराने वाले चरक की भूमि है। गर्भ में शिशु का लिंग शुक्राणु निर्धारित करते हैं, अंडाणु नहीं। ये बातें चरक ने ईसा पूर्व 300 में कही थी। शून्य की खोज, गणित और सौर मंडल के बारे में दिए गए ज्ञान से खगोल विज्ञान में क्रांति लाने वाले आर्यभट्ट की भूमि है। वराह मिहिर, सुश्रुत, विष्णु शर्मा, अश्वघोष, पाणिनि इत्यादि की भूमि है। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम से लेकर वात्स्यायन के काम सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की भूमि है। जिन्होंने मगध को रौंद डाला वे भी इसके वैभव से अछूते नहीं रहे। तबकतः नसीरी नामक ग्रंथ में इस खूबसूरत प्रदेश को उन्होंने ही सर्वप्रथम पहाड़ कहा, जो कालांतर में बिहार हो गया। इनमें से कुछ लोगों ने इस मिट्टी को अपने से बढ़कर माना। शेरशाह स्वर्णाक्षरों में लिखा गया ऐसा ही एक नाम है। सासाराम के एक छोटे से जागीरदार के इस महान दूरदर्शी शासक बेटे ने अपने 5 साल के छोटे से शासनकाल में मौर्य और गुप्त वंश के कुशल प्रशासन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उसने शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। मुद्रा के रूप में रुपया चलाया, डाकघरों की स्थापना की, पुलिस बल का गठन किया और ऐसे अनेक कारगर उपायों से उसने देश के प्रशासन का स्वरूप ही बदल डाला। सड़कें अगर विकास का आधार स्तंभ है तो बिहार को इस बात पर फख्र होगा कि वह विकास का यह मंत्र पूरे हिंदुस्तान को प्राचीन काल से देता आ रहा है और आज भी दे रहा है। मौर्य शासकों ने तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक उत्तर पथ बनवाया। फिर शेरशाह ने मुल्तान से आगरा तक इसका विस्तार किया और नाम कर दिया सड़के आजम। इसी का अंग्रेजों ने फिर विस्तार किया और ग्रैंड ट्रंक रोड नाम कर दिया, जो आज राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहलाता है। शेरशाह ने ही बिहार सूबे की नींव रखी और 4 नदियों के संगम पर बसा अत्यंत व्यस्त पट्टन, पट्टन यानी बंदरगाह, पाटलिपुत्र पटना बन गया। देश और विश्व का पथ प्रदर्शक बनने वाले मगध साम्राज्य के लिए एक ऐसा समय भी आया जब मध्यकाल से यह शीर्ष से उतरने लगा और धीरे धीरे सिकुड़ते सिमटते हुए राष्ट्र के मानचित्र पर बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गया। और चाणक्य और चंद्रगुप्त, इस आर्यवर्त के रचयिता, महान अशोक, भगवान बुद्ध, जिनेश्वर महावीर, गुरु गोविंद सिंह और शेरशाह जैसे महामानवों की भूमि के लोग कब तक गुमनामी के अंधेरे में जी पाते हैं? 1857 से एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बिहार की धरती ने देश में सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों को भी जन्म दिया। अधर्म और असत्य जब जब सर उठाने लगे हैं, इस प्रदेश ने किसी न किसी को क्रांति पुत्र चुना है। इसमें सबसे पहले जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह का नाम उभर कर आता है। बिहार में अंग्रेजों की खिलाफत करने वालों में सबसे पहले जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। बिहार का पुनरुत्थान 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से फिर से शुरू हुआ। सन 1908 आते आते बिहारियों के लिए बिहार की मांग शांत नीले नभ को भी कंपित करने लगी, जिसकी वजह से सन 1912 में बिहार का अस्तित्व एक अलग प्रदेश के रूप में वापस मानचित्र पर उभर आया। अभी आंखें खुली भी नहीं थी नवजात शिशु की कि आई भयंकर बाढ़। कहते हैं उत्तरी बिहार को कोसी का श्राप है। अंग्रेजों के खिलाफ जंग की पृष्ठभूमि बिहार में ही तैयार हुई जब 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण ले आए। इसी मिट्टी से शुरू हुए सत्याग्रह ने गरीब निलह मजदूरों का दर्द दूर किया और मोहनदास करमचंद गांधी को पहले लोकप्रिय नेता के रूप में जन्म दिया। गांधी ने हमेशा कहा कि हम पैदा हुए गुजरात में, अलग बात है, लेकिन दूसरे प्रांत कोई है तो बिहार है, और बिहार ने हमको गांधी बनाया। वो उन्होंने 1921 में मीराबहन को पत्र लिखा है कि इट वॉज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस मी टू इंडिया।
इसलिए गांधी को एनालाइज करके देखिएगा तो बिहार का इतिहास और गांधी का आना, वो हमारी जो परंपरा है, जो बुद्ध महावीर जो परंपरा चलती है, गांधी ने उस परंपरा में, जो गांधी बाहर का है गुजराती है, और वो उसने उस परंपरा में एक और इम्पोर्टेंट सुनहरा बात जोड़ दिया है। 1929 में किसान आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ। गांधी जी द्वारा पहला बुनियादी विद्यालय 1939 में तथा 1945 में महिला चरखा समिति बिहार में ही स्थापित हुए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो की हुंकार भरी तो प्रदेश की जनता उनके साथ तन मन धन से खड़ी हो गई। आजादी के हर अनुष्ठान में हर वर्ग हर समुदाय की भागीदारी रही। असाधारण व्यक्तित्व वाले बिहारी नेताओं ने बड़े प्रभावी ढंग से इन आंदोलनों में भाग लिया। ১৯৩৪ में बिहार ने झेला भयंकर भूकंप। 1934 के बाद 1935 में भूखंडन। बिहार के कुछ भागों को अलग करके ओडिशा राज्य बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और 12 वर्षों तक लगातार बने रहे। अब तक कोई भी ना तो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहा है इस देश का, ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कद के बराबर ही हुआ। बिहार में 1946 और 1947 की दोनों सरकारों की अगुवाई दो अद्वितीय नेताओं डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह तथा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ने की। उनका शासनकाल सत्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना से प्रेरित था। इस कारण बिहार उस समय के सबसे सुशासित प्रदेशों में एक था। आधुनिक बिहार के निर्माण में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें से कुछ हैं कालांतर में जनजीवन से जुड़ने के लिए हिंदी को राजभाषा का पहला सम्मान यही मिला और उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का। ग्रामीणों के जीवन को लोकतांत्रिक आधार देने के लिए पंचायती राज की स्थापना 1948 में सर्वप्रथम बिहार में ही की गई। लोगों के सर्वमुखी विकास के लिए गांधी जी का सर्वोदय कार्यक्रम, भूमिहीन किसानों को जमीन और नया जीवन देने के लिए 1952 में विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, सभी को बिहार में अप्रत्याशित सफलता मिली। इसके तुरंत बाद 1956 में बिहार के कुछ भूभाग राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप पुनः बंगाल को दे दिए गए। प्रकृति में परिवर्तन ही शाश्वत है। लगभग 90 वर्षों तक कांग्रेस को देश का जिम्मा दिए रखने के बाद प्रकृति ने संभवतः परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की। देश को एक दलीय शासन से शायद बहुदलीय शासन के दौर में पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की। प्रकृति अपने तरीके से काम करती है जिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। उसने अपनी प्रज्ञा के अनुसार एक वातावरण तैयार किया इस परिवर्तन के लिए, स्वाधीनता की दूसरी लड़ाई के लिए। प्रकृति ने जिस भूभाग पर, जिस धरती पर लोकतंत्र का पहला स्वरूप दिया था, उसी धरती से लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए इसमें आश्चर्य क्या कि वहीं के एक व्यक्ति को चुना। 72 साल के जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से मात्र सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। आजादी के संग्राम के करीब 28 साल बाद देश एक बार फिर से एक बिहारवासी की ओर आज से टकटकी लगाकर देखने लगा। आखिरकार प्रकृति ने इस धरती के माध्यम से द्वंद्व का निष्पादन किया और लोकतांत्रिक परंपरा को फिर से स्थापित किया। प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर ने शोषितों को आवाज दी, उन्हें स्वाभिमान करने के लिए संघर्ष का मापदंड दिया। ये बताया कि जीवन को जीवन के समान जीने के लिए कई बार भोजन से अधिक सम्मान की आवश्यकता होती है। हजारों साल से हाशिए पर मृत प्राय जीते हुए पिछड़े हुए बहुसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए कई कदम उठाए। इसका तात्कालिक प्रभाव ये हुआ कि बिहार राज्य एक कच्चे खराब रास्ते पर चल रही बैलगाड़ी के समान हिचकोले खाता हुआ लगभग 3 दशकों तक चलता रहा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब बिहार की चर्चा सिर्फ और सिर्फ गलत वजहों से होने लगी।
वर्ष 2000 में इसके खनिज और औद्योगिक संपदा वाले दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड का निर्माण कर दिया गया। बिहार और निर्धन हो गया। एक कल्याणकारी राज्य के सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के उद्देश्यों से उदासीन, आंकड़ों की कलाबाजी में खोए हुए अर्थशास्त्रियों के अनुसार, विकास की आधुनिक और अभिजात्य वर्गीय परिभाषा के अनुसार बिहार पिछड़ गया। उसकी बड़ी नकारात्मक छवि पूरे अभिजात्य संसार में बन गई। वह देश में पिछड़ेपन का पर्याय बन गया। आधुनिकता, पाश्चात्य संस्कृति और विकास की यूरोपीय अमेरिकन अवधारणा की पूजा करने वाले बुद्धिजीवियों ने बिना समय गवाए हुए उसे बीमारू घोषित कर दिया, क्योंकि इन महान व्यक्तियों के उच्च लोक में निर्धन होने का अर्थ बीमार होना है। इसके बावजूद उस बैलगाड़ी की यात्रा किंतु रुकी नहीं। वो दिल्ली की संसद के रास्ते पूरे देश में हुई और उससे देश का इतिहास धीरे से हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। विश्व का इतिहास बताता है कि जब भी क्रांति की शुरुआत हुई है कहीं, चाहे बहुत धीरे से ही सही, अराजकता तो फैली ही है, उथल पुथल तो मची ही है, थोड़ी या अधिक मात्रा में, जैसे किसी छोटे से तालाब में एक बड़े से हाथी के उतरने पर होता है। और इसलिए उस दौर में आर्थिक रूप से पिछड़ने का कोई गम नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने तरीके से न्याय करती है, संतुलन स्थापित करती है, सो अब कर रही है इस प्रदेश में। इसके अलावा आने वाले 150 वर्षों में बिहार 3-4 दशकों में जिस दौर से होकर गुजरा, उसे बहुत महत्वपूर्ण दशकों में गिना जाएगा, यह तय है। प्रकृति हमेशा न्याय ही करती है, उसकी लीला में अन्याय नहीं, चूक नहीं। हाँ, मनुष्य उसकी लीला समझने में चूक कर जाता है कई बार। हाशिए पर हजारों साल से बसर करने वाले बहुसंख्यक पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया में प्रकृति ने बिहार वासियों के जो 31 वर्ष ले लिए थे और जिस कारण आर्थिक प्रकृति का पहिया टूट सा गया था, उसकी भरपाई होने का समय आ गया है, ऐसा प्रकृति का निर्देश प्रतीत हुआ आज से कोई 8 साल पहले। क्या अद्भुत सहयोग कि भरपाई के काम का नेतृत्व करने के लिए प्रकृति ने जिस व्यक्ति को चुना, आज वह देश के सारे मुख्यमंत्रियों में श्रेष्ठ माना जा रहा है। उसने आते के साथ अदम्य उत्साह, संकल्प और कार्यक्षमता का परिचय दिया। खराब रास्ते प्रगति के ही क्या, हर प्रकार के पहियों को तोड़ देते हैं, इसलिए उसने सड़कों और पुलों को सामरिक गति से ठीक कराया। बिहार ने सड़कों की जो परंपरा दी थी वह पुनर्स्थापित हो चली। आज बिहार की मुख्य सड़कें देश की बेहतरीन सड़कों में गिनी जाएंगी। मेरे सपने में है कि किशनगंज के किसी गांव से या कैमूर की पहाड़ी से या बांका या जमुई के जंगलों से या फिर धनहा के इलाके से अगर कोई व्यक्ति चले किसी गांव से तो 6 घंटे से कम समय में पटना पहुंच जाए। मुझे खुशी है कि अब लगता है कि वो सपना बहुत जल्दी साकार होगा। 2-3 साल कम से कम मेरे इस कार्यकाल में वो सपना तो जरूर पूरा होगा। नई सड़कें बनी तो प्रगति को भी नए पहिए मिले, नए पहिए मिले तो प्रगति सबसे पहले विद्यालय गई। शिक्षा से उसने अपनी यात्रा शुरू की। शिक्षा जो प्रगति की प्राथमिक शर्त है, शिक्षा जो सशक्तिकरण के तिलस्म में प्रवेश की कुंजी है। पांच साल पहले तक जिस प्रदेश में लड़कियों के लिए साइकिल के पास जाना तक वर्जित था, दूभर था, तबू था, वहीं आज देर शाम को भी गांव की सड़कों पर अकेले साइकिल चलाकर जाती हुई बहन बेटियां आमतौर पर दिखती हैं। यह समाज की सोच और सामाजिक परिस्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है। अब रातें सुरक्षित हैं और दिन तनाव रहित।
दो पहियों पर आई यह क्रांति साक्ष्य है इस सत्य की कि सरकार की एक सही और दूरगामी निर्णय से समाज एक छलांग में 10 वर्ष आगे बढ़ जाता है। साइकिल ही नहीं, केवल साइकिल के साथ पोशाक, छात्रवृत्ति, दोपहर का भोजन, शिक्षकों और शिक्षार्थियों का उत्साह इत्यादि के कारण आज स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति दोनों में हुई है भारी वृद्धि। जब हम 2009 में आए थे उसमें हमारे पास करीब 1200 लड़कियां थी। आज के डेट में हमने जितने भी यंग टीचर आए हैं सब मिलकर इस ढंग से पढ़ाई लिखाई की कि चारों पटरी अट्रैक्शन हो गया, और अभी के डेट में हमारे यहाँ कुल 2600 लड़कियाँ भी हो गई है। 1200 से हमें 2600 पहुँचा दें, इसमें सिर्फ देन मेरा ही नहीं है बल्कि सभी शिक्षकों का योगदान है जो निस्वार्थ भाव से बहुत मेहनत करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं। महिला साक्षरता दर में इस दशक में सबसे ज्यादा प्रगति करके बिहार को राष्ट्रपति द्वारा दशक का साक्षरता पुरस्कार मिला है। अब बिहार के गांव की बालिकाएं एक लंबी दूरी तय करने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। पढ़ने के पीछे मेरा एक एम है, इंजीनियर बनना। जब तक अपना एम पूरा नहीं कर लेते तब तक शादी नहीं होगी। हम भी जब तक अपना जॉब नहीं करेंगे जब तक शादी नहीं करेंगे। कि ये साइकिल योजना जो है बालिकाओं के लिए एक पंख है और इनकी उड़ान ऊंची है, ये तो अब साइकिल से ही आसमान की दूरी नापेंगी। लगता है कि इसमें भी बहुत दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली तो क्या, बिहार के गांवों तक की लड़कियां आज कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ जो वर्षों पहले देश और विदेश पहुंचकर बस गए थे, अब वो अपने मन में गांव लौटने का वसंत और होठों पर देश का राग लिए लौटने लगे हैं। आम के मादक बौरों के सुवास से महकी और लाल सेमल के रंग से रंगी एक एकाकी पंछी की तरह सुंदरी का विरह गीत अब धीरे धीरे नेपथ्य में विलीन हो रहा है। पलायन में काफी गिरावट आई है। पलायन कम होना रुकना अनेक कारणों से आवश्यक है, पर घर से दूर जाकर पढ़ाई या नौकरी व्यवसाय करने से किसी को कोई विरोध नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहारी मेहनती और बुद्धिमान हैं, उन्हें अपने विकास के लिए बेहतर अवसर जहां भी मिले, मुंबई हो या कोलकाता या फिर चांद पर ही क्यों न हो, उन्हें जरूर जाना चाहिए। सालों पहले इसी मेहनत करने की क्षमता और प्रतिभा के कारण जिन्हें विदेश ले जाया गया था, आज उन्होंने विदेशों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा पाई है। इसके विपरीत अपने ही देश में जहां आज कोई भी पेशा, कोई भी क्षेत्र बिहारी प्रतिभा के स्पर्श से अछूता नहीं बचा है, और बिहार को इस बात का श्रेय जाता है कि उसके श्रम ने बहुत से राज्यों की तस्वीर बदली है, वहां इसके बदले में उन्हें बांटने और लड़ाने वाली राजनीतिक संस्कृति का आघात सहना पड़ा है, अपमान सहना पड़ा है। पर एक अपमानजनक पहचान और संबोधन के साथ रहना और उसको सहना अब असंभव हो गया है। फिल्म के शुरू में प्रकृति में विभिन्नता के नियम की जो बात कही गई थी उसका एक तात्पर्य यह भी है कि हर देश के विकास का अपना एक अलग स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि अन्य चीजों के अलावा हर प्रदेश हर देश का कोर कॉम्पिटेंस अलग होगा। असम और राजस्थान के विकास का ढांचा एक नहीं हो सकता। यूरोपीय अमेरिकन ढांचा जिसकी दुहाई दी जाती है उसका तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, ना ही कभी दो प्रदेशों की तुलना होनी चाहिए। बिहार के विकास का स्वरूप न्याय के साथ विकास का है और उसका कोर कॉम्पिटेंस है कृषि, जिसमें उसने अभूतपूर्व प्रगति की है।